वाला जो विंडशील्ड है, ये वाला मिडिल से ब्रेक हो गया है और ये वाला पूरा टूट के ये साइड में चला गया, मतलब पूरा विंडशील्ड क्रैक होगा अंदर से। टूट की टूट गया है पूरा। फिर मैंने विंडशील्ड लगाया था, आई थिंक वो भी पूरा मतलब खतरनाक तरह से ब्रेक हो गया। उसके बाद गाड़ी खिसक तो गया, इसमें निशान देख सकते हैं। सो ऑलराइट नेवर, आपका बहुत स्वागत है। तभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए मैं ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो भाई का हो गया एक्सीडेंट। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कैसे हुआ एक्सीडेंट, और ये है बाइक। इस बाइक का क्या क्या मतलब खर्चा हुआ है, मतलब अभी रिपेयरिंग करने के लायक में है कि नहीं। मैं तो रिपेयर इसको नहीं कर सकता अभी के लिए, क्योंकि दो हार्ट फ्रैक्चर्स हैं इसका, ये सिस्टम ज़्यादा है, ये कम है थोड़ा सा, और पैर में भी है। तो इसलिए मैं चलो शेयर कर देता हूँ आपको। और ये वाला वीडियो नॉन एडिट होने वाला है, क्योंकि एडिट में नहीं कर सकते इसको। तो स्टेप बाय स्टेप इसको अपलोड कर देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट आया कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, मैंने एक पोस्ट डाला था। तो सीन ये है, मैं एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं जा रहा था रात में 10:30 बजे आई थिंक। तो अचानक सब स्पीड था कितना, 50-60 स्पीड था, और अचानक से एक डॉगी आया सामने और मैंने कस के ब्रेक मारा ऑब्वियसली। उसके बाद से मुझे कोई कुछ याद है नहीं, क्योंकि जब मेरा जो हेलमेट था वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो हेलमेट इधर से स्क्रैच हुआ, हेलमेट का वाइजर विंडशील्ड पूरा टूटा और मैं सेंसलेस हो गया। उसके बाद से हॉस्पिटल कैसे पहुंचा मुझे कुछ याद नहीं है। तो ऐसा सिस्टम हुआ है। विंडशील्ड पूरा ब्रेक हो गया है, कहाँ गया, अरे घुस गया भाई, ये मैं इसको नहीं देख सकता, ये विंडशील्ड इसका ब्रेक हो गया, इतना मोटा विंडशील्ड। उसके बाद हेलमेट में बात करें तो ये स्क्रैचेज आए हैं, मतलब गाड़ी जो है इधर से, मतलब हमारा सर जो है इधर से पूरा घिसके आया, अगर हेलमेट नहीं पहना होता। और एक अच्छी बात क्या है, मैं हेलमेट पहना हुआ था, फुल प्रोटेक्शन का था, मतलब ओनली हेलमेट ही मैंने पहना हुआ था। तो अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो भाई ये पूरा उस, मतलब ये वाला हिस्सा ना, मतलब ये वाला पूरा हिस्सा आई थिंक ये पूरा चला जाता। तो राइड, मतलब हेलमेट का जो एडवांटेजेस है कि क्यों सब लोग को हेलमेट पहनना चाहिए, अभी मुझे फील हो रहा है। मैं कभी कभी हेलमेट मिस कर जाता हूँ, सामने जाना होता तो, अगर ये वाला एक्सीडेंट जो मेरे घर के सामने ही हुआ है रोड पे, तो हेलमेट पहना हुआ था इसलिए सर तो बच गया। ये वाला मिडिल से ब्रेक हो गया है और ये वाला पूरा टूट के ये साइड में चला गया, मतलब पूरा विंडशील्ड क्रैक होगा अंदर से पूरा कंप्लीट, और ये इस मतलब रगड़ते हुए चला गया था। आई थिंक फ्रैक्चर हुआ है, तो काम तो मैं नहीं कर सकता। वीडियोस वगैरह भी आएंगे कि मुझे नहीं पता कब आएंगे। मिनिमम 15 दिन तो गैपिंग देना ही पड़ेगा। तो ये सिस्टम है, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक में क्या क्या नुकसान हुआ है, बाइक का शॉकर वगैरह क्या है, मतलब बाइक का पूरा सिस्टम कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मतलब छोटा सा अपडेटेड वाला ये वीडियो है, अपडेट देने के लिए कि क्या हुआ है। और प्रोजेक्ट और भी आए थे, तो प्रोजेक्ट में नेल नहीं ले पा रहा अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये इशू एक्सीडेंट। तो ये दिक्कत है। शॉर्ट में ही मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ बाइक का क्या सिस्टम है, कि इसको ये वाला फिर भी मूवमेंट हो रहा है, ये पूरा फिक्स है, इसको मैं मूव नहीं कर पा रहा। और एज यू कैन सी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा बाइक है प्लाटिना। इसका पहले सबसे पहले बात करते हैं, ये शॉकर असेंबली पूरा बेंड हो चुका है। ये वाला जो शॉकर है ये पूरा बेंड हो चुका है, ये देखो ऊपर से देख लो। तो आई थिंक इम्पैक्ट जो है, ये वाला शॉकर असेंबली पूरा बेंड हो चुका है। और व्हील मैंने चेक किया, व्हील में कोई इशू नहीं है इसके। आई थिंक इसका डिस्प्ले भी बेंड हो गया है, और इसका बैरल टूट गया है। ये वाला जो बैरल है ये टूट गया, ये चेंज करना पड़ेगा। ये वाला बैरल देखो ये टूट के टूट गया है पूरा। और आई थिंक ये वाला शॉकर भी बेंड है। उसके बाद यहाँ पे मैंने विंडशील्ड लगाया था, आई थिंक वो भी पूरा मतलब खतरनाक तरह से ब्रेक हो गया। उसके बाद गाड़ी खिसक तो गया, इसमें निशान देख सकते हैं। तो और हेडलाइट भी टूट गया है, ये मैं इसको हाथ से इसको मूव नहीं कर सकता, पर ये हेडलाइट भी टूट गया है। और टूटा बोले तो और भी नुकसान हुआ है, नुकसान बोले तो ये हैंडल पूरा बेंड हो चुका है। सेकेंड हमारा जो ये है आपका ये नकल गार्ड बोल सकता हूँ, ये पूरा टूट गया है। मैं इसमें मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लगा था, इसका मोटा है देखो कितना मोटा है, बहुत मोटा इसे क्वालिटी है। ये भी ब्रेक हुआ इधर से, ये पूरा ब्रेक हुआ। उसके बाद मतलब गाड़ी इस तरीके से गिरा था, और ये वाला लीवर बच गया। अगर हमारे बाइक में ये वाला नकल गार्ड दोनों साइड मतलब नहीं होता,
तो इस हाथ का फ्रैक्चर और भी ज़्यादा होता, बैंड मतलब बैंड बच जाता। तो ये हुआ और गाड़ी जो है इस तरीके से पूरा अंदर घुस गया, ये वाला इस तरीके से हुआ, ये गाड़ी हमारा पूरा, ये व्हील देख रहे हो पूरा 90 डिग्री बेंड हो गया। ये हमारा सिस्टम हुआ है। और बोले तो इसमें नुकसान बोले तो ये हेडलाइट भी टूट गया, अंदर पूरा घुस गया। उसके बाद टैंक में बोले तो टैंक का इशू है। ये देखो ये टैंक हम इस मतलब शॉकर जो हमारा इस टैंक में दबा दिया पूरा, देख रहे हो गड्ढा देख रहे हो, ये देखो टैंक में डेंट है इतना बड़ा, क्योंकि ये वाला शॉकर इसके अंदर घुस गया। और बाकी बाइक तो चालू हो रहा है बट सेल्फ स्टार्ट नहीं ले रहा है, और आई थिंक ये वाला घिस गया। और बाइक में कुछ नुकसान है नहीं, यही सिस्टम है, बाकी वाला विंडशील्ड टूट गया। और इस साइड बोले तो इस साइड में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाड़ी हमारा ना मतलब इस तरीके से ब्रेक मैंने मारा, गाड़ी पूरा इस तरीके से होके स्कीड करके चला गया, मतलब पूरा रास्ते में, और जो भी इम्पैक्ट आया इसके ऊपर आया है। और आई थिंक डिस्प्ले बेंड हो गया होगा, ये वाला डिस्प्ले बेंड हो गया है, इसका मडगार्ड पूरा उखाड़ के, मतलब ये वाला मडगार्ड देख रहा हूँ, इसका मडगार्ड क्लाम देख मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा बेंड हो गया। और एलंग विथ ये वाला जो मडगार्ड है रिपेयर तो हो जाएगा, ये इधर से पूरा ब्रेक होके, मतलब इसका जो वाला माउंटिंग था ना, ये वाला माउंटिंग ये पूरा उखड़ गया। तो यही है अपडेट, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई बताओ बताओ क्या हुआ आपके साथ। तो ये सिस्टम है, बाकी बाइक में और कोई तो डैमेज मुझे नहीं लग रहा है, बाकी इंजन वगैरह आई थिंक ब्रेक हो गया था मुझे लग रहा था, टैंक में भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, वो वाला तो लगा देंगे। और बाकी इसका ये वाला वायरिंग में दिक्कत है, ये बाइक स्टार्ट तो नहीं हो रहा है और इंडिकेटर वगैरह नहीं चल रहा है, इसको अभी चाबी को घुमा नहीं सकते क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है। तो ये पूरा सिस्टम है हमारा, अभी 15 दिन तो आई थिंक वीडियोस वगैरह नहीं आएंगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं बाकी। और इसका ये वाला प्रोजेक्ट मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत अपडेट देता हूँ। इसका ये वाला हेडलाइट जो है बहुत लोगों का सेटिस्फैक्शन नहीं था, तभी मैंने इसको हेडलाइट को रीडिजाइन किया है, इसको और भी अंदर लिया है, इंडिकेटर्स यहाँ पे माउंटिंग मैंने जस्ट ट्राई किया है, और इसका भाईयर को मैंने ये वाला जो विंडशील्ड है इसको मैंने रीडिजाइन किया है। तो अभी बाइक का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, साइड से देखो, ये देखो रात का वक्त है तो अभी इसका रिडिजाइन करा है, क्योंकि एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई हेडलाइट में और भी इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये मेरा बेस्ट इम्प्रूवमेंट है आई थिंक, बहुत मतलब एकदम मेजरमेंट करके बिल्कुल सही लुक आ रहा है। तो इस तरीके से हमने किया है। और मीटर ऑब्वियसली मीटर ये वाला नहीं लगेगा, तो मीटर के प्लेसमेंट को भी मैंने इस तरीके से किया है, मीटर ये वाला मीटर हम चेंज कर देंगे। और बाइक का लुक मतलब ये वाला प्रोजेक्ट तो पेंडिंग हो गया, कुछ इस तरीके से आ रहा है। और हेडलाइट मैंने नया वाला लगा दिया था, ये वाला चेंज करके ये नया वाला हेडलाइट मैंने लगा दिया है, डीएल वाला प्रोजेक्टर वाला। और एक अपडेट है, और एक R15 भी आने वाला था, तो आई थिंक उसका भी उसमें भी USD लगाने वाला था, उसका प्रोजेक्ट भी हमने लिए थे बट अभी कर नहीं पाएंगे, देखते हैं। और इस साइड बात करें तो फ्लैश रहता हूँ, इस साइड बात करें होंडा साइन का जो हमारा इंजन है वो खुला हुआ है, ये वाला उधर पार्ट्स पड़ा हुआ है, ये वाला होंडा साइन का पूरा फुल इंजन का वीडियो आने वाला था बट शूट करने वाला था, बट वही उसके बीच में हो गया एक्सीडेंट, तो यही दिक्कत है। तो अभी मैं आपको क्या वीडियो दिखाऊं, अभी सीन ये हुआ है, अभी चलिए इस वीडियो को ऑफ करते हैं और चले मिलते हैं 15-20 दिन बाद, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो हमको 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचा सकते हैं इस वीडियो के बाद, और मतलब 15-20 दिन तो गैपिंग हो ही जाएगा, देखते हैं। तो सीरियस मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, वहाँ पे साइन पड़ा हुआ है, भारत माता की जय।